साउथ फिल्मों का दबदबा बॉलीवुड इंडस्ट्री में सर चढ़कर बोल रहा है। एक के बाद एक साउथ की फिल्में रिलीज हो रही हैं और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बना रही हैं। भारत ही में नहीं बल्कि दुनिया भर में इन्हें पसंद किया जा रहा है। पुष्पा और ट्रिपल आर के बाद अब नंबर वन फिल्म KGF चैप्टर 2 का सामने आया है। इस मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है फैंस की उत्सुकता का ठिकाना नहीं है। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही एडवांस बुकिंग के मामले में SS राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर को पीछे छोड़ दिया। मौजूदा समय में ट्रिपल आर मूवी ने दुनिया भर में धूम मचा रखी है। फिल्म हाल ही में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1,000 करोड़ रुपए के पार चली गई है। ऐसा करने वाली ये देश की तीसरी मूवी बन गई है। अभी फिल्म सफलता का स्वाद ही चख रही थी कि इसके भारी भरकम रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और मूवी दस्तक देने जा रही है। साउथ मूवी KGF 2 ने रिलीज से पहले बड़े धमाके के संकेत दे दिए हैं। फिल्म ने रिलीज से पहले ही करीब 25 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो ट्रिपल आर से कहीं ज़्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो ट्रिपल आर ने रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग के जरिए केवल 5 करोड़ कमाए थे। इस लिहाज से KGF 2 की एडवांस बुकिंग ट्रिपल आर से 5 गुनी ज्यादा है। फिल्म देश विदेशों में जबरदस्त कमाई करना शुरू कर रही है। आइए जानते हैं कहां कहां कितनी कितनी रुपए कमा ली KGF 2 ने एडवांस में ही। हिंदी 11 करोड़ 40 लाख, तेलुगु में 5 करोड़, कन्नड़ में 4 करोड़ 90 लाख, तमिल में 2 करोड़, मलयालम में 1 करोड़ 90 लाख। इस लिहाज से फिल्म ने अब तक एडवांस बुकिंग के जरिए एक दिन में 25 करोड़ 20 लाख कमा लिए। ये मूवी 14 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के पहले पार्ट को भी ज़बरदस्त कलेक्शन और प्यार मिला था। ये एक एक्शन मूवी है जो लोगों को पसंद आई थी। फिल्म के दूसरे पार्ट में आपको यश के साथ बॉलीवुड स्टार संजय दत्त अहम रोल में दिखेंगे। वे अधीरा के रोल में है। फिल्म में उनके किरदार को लेकर एक्साइटमेंट लोगों की अलग लेवल पर है। इस मूवी में रवीना टंडन भी नजर आएंगी। तो दोस्तों, आप KGF चैप्टर 2 के रिलीज होने का अगर बेसब्री से इंतजार है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।